हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ द थिंग्स फ्रॉम सर्कल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि देखिए, जब आपको कि अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है बेसिक की, तो कार्टर शीट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड 6B स्टैडलर पेंसिल को। तो आप अपनी बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ना, सबसे बेस्ट शेप है कि भैया अपना सर्कल शेप लीजिए और सर्कल शेप के अंदर जो है चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। लाइक आप देख सकते हैं, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर रिपीटेशन, इस तरीके से आप जो है करते रहिए। और रिपीटेशन कर देने के बाद अपना वो शेप बनाना शुरू करिए जो आप सर्कल के थ्रू इजीली बना सकते हैं। उसमें चाहे तो दोस्तों कोई भी चीज़ फ्रूट हो सकती है, कोई आपका कॉस्मेटिक मटेरियल हो सकता है, या कोई आपका स्टेशनरी का मटेरियल हो सकता है, आपके किचन का कोई सामान हो सकता है। आप जो मन मरे, आपके मर्जी में आए, आप वो मटेरियल जो है बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। लाइक ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको सिखाती है कि आप अपना दिमाग कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, या आप अपने आसपास की चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर आप एक आर्टिस्ट लाइन में हैं, तो आपको अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। उस सराउंडिंग में आप क्या क्या चीज़ें डेली बेसिस पे देखते हैं, आपकी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो वो चीज़ें आप जो है अपने बेसिक शेप्स के थ्रू बना सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल दोस्तों जैसे हमने सीखा भी है कि अगर आपको एनाटॉमी स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर आपको पर्सपेक्टिव में कोई ऑब्जेक्ट्स बनाना है, कॉम्पोजिशन में कार बनानी है, ट्रेन बनानी है, बस बनानी है, टेबल बनानी है, सेंटर टेबल, टीवी, एसी, एवरीथिंग, लाइक जो भी चीज़ आपको बनानी है वो हर चीज़ बेसिक शेप से रिलेटेड है। तो यहाँ दोस्तों मैं बस यही सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ आज के, कैसे आप जो है अपनी बेसिक शेप्स के थ्रू चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शेप मैंने यहाँ पर दोस्तों सर्कल सेलेक्ट की है, क्योंकि मुझे लगा कि सर्कल जो है थोड़ी सी एक ऐसी शेप है कि उसको बनाने में भी ना काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। लाइक ट्रायंगल ईजिली बना सकते हैं आप, स्क्वायर ईजिली बना सकते हैं, बट सर्कल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, रिपीटेशन काफ़ी बार एक ही शेप पर आप रिपीट करते रहेंगे तो चीज़ें बढ़िया बनेंगी। तो एक मैंने एप्पल यहाँ पर बना दिया है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने आधा कट कर दिया है इसको इस तरीके से ओवल शेप में, तो यहाँ मेरा एक बाउल बन गया है। तो इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को अपनी बेसिक शेप्स के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है चीज़ों को अटैम्प्ट किया है और किस तरीके से हमने समझा है कि सर्कल शेप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।